क्या हुआ तेरा वादा? जी हाँ, सरयू राय जी यही सवाल कर रहे हैं। और जब भीषण गर्मी में सरयू राय जी जैसा नेता धरने पर बैठता है तो सवाल उठना लाजिमी है कि बात क्या है। तो सरयू राय जी से हम खुद पूछते हैं डीसी ऑफिस के सामने क्यों उनको धरने पर बैठना पड़ा है, और वो भी टाटा स्टील के खिलाफ। टाटा स्टील पे आरोप है कि वो लीज रूल का पालन नहीं कर रही, लीज की शर्तों का पालन नहीं कर रही है, और सरयू राय हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं। सर एक बात बताइएगा, आप हमेशा उठाते हैं कि जो लीज शर्तों का उल्लंघन हो रहा है उसका पालन नहीं हो रहा है, सरकार ने कोई ऐसी कोई कमेटी भी नहीं बनाई है जो ये जाँच करे। इस वक्त कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, नागरिकों को जन सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार या निर्वाचित या मनोनीत नगर पालिकाओं का है। जमशेदपुर में कभी भी कोई नगर पालिका बनी नहीं। उस समय के सरकार को ये लगा कि उचित यही होगा कि अगर ये कंपनी तैयार है, टाटा उसमें टिस्को था, टिस्को तैयार है तो हम इसको ये जिम्मा दें। एक लीज का समझौता हुआ, उसमें दो दर्जन जन सुविधाएँ जो होती हैं जिसको नगर पालिकाएँ देती हैं उसको टाटा स्टील आज वाली या उस समय की टिस्को देगी, ये तय हुआ। अब 2005 में जब झारखंड बन गया और टिस्को टाटा स्टील हो गया तो इसका रिन्यूअल हुआ, सारी जन सुविधाएँ उसमें दी गई हैं, कौन कौन जन सुविधा हम ये मुहैया कराएंगे। अब 36 साल हो गए समझौते के, 17 साल हो गए रिन्यूअल के, 22 साल हो गए इस राज्य के बने हुए, मगर जब मैं घूमता हूँ क्षेत्र में तो देखता हूँ कि जो टाटा लीज एरिया में लोग रह रहे हैं उनको भी जन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, पानी नहीं उपलब्ध है, बिजली नहीं उपलब्ध है, और समझौता के हिसाब से इनको जन सुविधाएँ अपने खर्चे पर देनी हैं और लोगों से उतना ही वसूलना है जितना झारखंड की सरकार तय करती है अपनी नगर पालिकाओं के लिए, मगर ठीक उल्टा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग अचानक धरना पर बैठ गए हैं। जूसकों के लोग आते हैं, मिलते हैं, टारगेट देते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये मगर वो पूरा नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जैसे 2 साल में 10,000 कनेक्शन, ये जो बताया जा रहा है हम लोगों को वो क्या है? वो टाटा लीज की बस्तियों की बात कर रहे हैं तो काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए आपको आज बैठना पड़ रहा है कि वो अप टू द मार्क नहीं है, या देर से इन लोगों ने कोई कदम उठाना शुरू किया है उसको थोड़ा साफ करिए। देखिए, एक तो इसकी कोई योजना नहीं है, आप कहाँ देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, इसकी कोई योजना नहीं है। हम तो 36 साल का हिसाब मांग रहे हैं साहब, 36 साल में तो एक एक घर में पानी बिजली हो जानी चाहिए थी, अब ये नहीं हुआ। तो हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि यहाँ के उपायुक्त मुख्यमंत्री को बताएं कि साहब ये धारणा बन गई है इस राज्य में कि 24 जिले में 23.5 जिले में झारखंड की सरकार चलती है, आधा जिले में टाटा स्टील की सरकार चलती है, तो टाटा स्टील की सरकार से ही राज्य की सरकार दिलवा दे, जनता का जो हक है दिलवा दे। हम लोग इतना ही के लिए बैठे हैं और हम यही कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई एक चीज़ गलत है तो आप बता दिए साहब, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, और जब ठीक नहीं है तो आपको ये काम कराना चाहिए, वार फुटिंग पर कराना चाहिए, स्पेशल टीम बनाना कर कराना चाहिए। 36 साल में नहीं हो सका तो 2 साल 1.5 साल में हमको कराना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ये थे सरयू राय जी, ने बताया कि वो धरने के माध्यम से जिला प्रशासन को ये बताना चाह रहे हैं कि वो सरकार को बताए कि 36 सालों का हिसाब सरकार ले टाटा स्टील से कि लीज शर्तों का क्या हुआ, सरकार भी एक कमेटी बनाए जो ये देखे कि टाटा स्टील जो है वो लीज शर्तों का पालन कर रही है नहीं। क्यों आखिर जमशेदपुर में दो तरह का जमशेदपुर है? क्यों आधे हिस्से में टाटा की सरकार चलती है, आधे हिस्से में प्रशासन का है? क्यों आधे हिस्से में 24 घंटे बिजली पानी रहती है और बाकी के जो हिस्से हैं वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है? तो यही सवाल सरयू राय ने आज उठाया है। अन्नी अमृता, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।